let's try to understand today the shadow price. Okay, so what is the shadow price? इसको हम समझने से पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, सो व्हाट इट सेज इज, एग्जाम्पल इज देर इज अ फिल्म शो. ओके, देर इज अ फिल्म शो एंड यू हैव गॉन टू वॉच इट. सो आप गए हो जब, तो वहाँ पे टिकट ख़त्म हो चुकी है. सो द टिकट प्राइस वॉज 500. यहाँ पे टिकट का लगा है दैट 500 वॉज द टिकट. सो टिकट ख़त्म हो गया एंड आपको तो चाहिए पूरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो. क्या देखना है, क्या देखना है रे, पता नहीं, एनी एक्स सॉरी एनी मूवी. ओके, उरी 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 मूवी देखनी है. सो व्हाट यू डन इज यू गो टू वॉच द मूवी विथ योर फ्रेंड्स एंड वहाँ पे टिकट जाके देखा तो ख़त्म हो चुकी है एंड द टिकट काउंटर वॉज क्लोज्ड. आई मीन क्लोज मीन्स टिकट काउंटर पे वो टिकट जब आती है ना वो तो एकदम बंद हो जाती है. अच्छा, ये पहले के टाइम पे था, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन बुकिंग होती है, मतलब सीट बुक होती है ऑनलाइन में. लेकिन पहले जो ये था ना ऑफलाइन, तो लोगों को ऐसे क्यू में खड़े रहने पड़ते थे एंड यू हैव टू गेट द टिकट फ्रॉम द टिकट काउंटर ओनली. तो क्या हो गई, तो 500 रुपीज़ जब हो गई तो टिकट की प्राइस जो होती है ना वो बढ़ जाती है. कहाँ, जहाँ पे आउटसाइड ऑफ द टिकट काउंटर. तो पहले जे पहले के टाइम पे ऐसा क्या होता था ना, जैसे कि यहाँ पे टिकट काउंटर पे अगर टिकट ख़त्म हो गई तो आप बाहर चले आओगे, काउंटर से बाहर चले आओगे, तो कुछ लड़के ऐसे होंगे ये ना बेच रहे होंगे टिकट्स इन इन हाई प्राइस. उसको हम बोलते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग. कि जैसे कि टिकट की ओरिजिनल जो प्राइस है वो 500 है, लेकिन अगर ये बेच रहे हैं उसको बाहर लाके तो वो 700 में बेचेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो 200 उसकी प्राइस रही ना, तो दैट इज़ दिस 200 इज़ आर शैडो प्राइस. दिस कैन बी द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द शैडो प्राइस. सो ये 700 ये जो हो गई, ये हमारी रिवाइज्ड, मतलब जो कि ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जा रहा है, एंड ये 500 ये हमारी हो गई जो कि ओरिजिनली बेचा जा रहा है. सो दिस 200 इज़ आवर शैडो प्राइस. ओके, आई होप यहाँ तक तो क्लियर है. नाउ कम्स टू द डेफिनेशन. सो इससे पहले हम एक जानेंगे चीज़ कि देर इज़ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में वी हैव नोन दैट देर इज़ अ फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस गुड्स. दैट मीन्स सारे जो गुड्स होंगे ना वो होमोजीनियस होंगे, वो सेम होंगे. तो यहाँ पे जो टिकट है, टिकट हमारी गुड्स है ना, तो टिकट यहाँ पे भी जो टिकट है यहाँ पे भी वही टिकट है, यहाँ पे जो मूवी है वही मूवी लिखा हुआ है. तो इसका मतलब हमारे जो गुड्स है वो सेम है. तो शैडो प्राइस तभी काम करेगी, उसी जगह में काम करेगी जहाँ पर सेम गुड होगी, जहाँ पर सेम कमोडिटी होगी हमारी. ठीक है, सो होमोजीनियस गुड्स पे शैडो प्राइस काम करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर डेफिनेशन. ओके, सो शैडो प्राइस इज द मॉनिटरी वैल्यू असाइंड टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट डू नॉट हैव अ डेफिनाइट मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो शैडो प्राइस का मतलब ये कहा जाता है कि कोई भी एक चीज़ है, लेट्स से एक्स एक चीज़ है, उसकी एक मॉनिटरी वैल्यू जो है वो डिसाइडेड नहीं हुआ है अभी तक. ठीक है, तो लेट्स से अगर इस एक्स की वैल्यू, एक्चुअल में इस एक्स की वैल्यू लेट्स से है 200. ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप किसी एक से पूछोगे तो वो बोलेगा अच्छा इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको 50 बोलेगा. किसी और से पूछोगे तो वो उसको 100 बोलेगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी है, वो है 200. ठीक है, तो शैडो प्राइस ये कहती है एक कमोडिटी है वो एक्स है, तो इस कमोडिटी का जो ट्रू वैल्यू होता है एंड जो मार्केट प्राइस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होती है. ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में एक प्राइस प्रिवेल करती है, जैसे कि ये इसने कहा कि 50 रुपीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ट्रू वैल्यू उसकी कितनी है, 200 है. तो कितना गैप रहा इनके बीच में, 150 का गैप रहा. तो ये जो 150 है ये हमारी शैडो प्राइस है, जो प्राइस जो कि एक कॉमोडिटी में वो छुप के रहती है, मतलब जो बाहर से पता नहीं चलती है, दैट इज़ आवर शैडो प्राइस. सो मॉनिटरी वैल्यू असाइंड टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट डू नॉट हैव अ डेफिनेट मार्केट वैल्यू.
और कमोडिटी भी ऐसा है जो कि जिसकी कोई प्रॉपर वैल्यू डिसाइड हुई नहीं है. ये तो हम एक अप्रॉक्सीमेट एग्जांपल एक लेके चल रहे हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हियर इज़ अ पब्लिक पार्क. ठीक है, ये जो पार्क है इसका मतलब कोई प्राइस अभी तक फिक्स्ड नहीं हुआ है. 10 रुपीज़ होगा या फिर 20 रुपीज़ होगा उसका एंट्री फीस. अभी कितना रुपीज़ होगा उसका कोई प्राइस मतलब फिक्स्ड अभी तक नहीं हुआ है. ठीक है, तो बाहर से हम ऐसे चल के जा रहे हैं तो हमें लगेगा अच्छा ये अगर ये जो पार्क है इसके लिए तो पैसे देने ही नहीं पड़ते होंगे. लेकिन यहाँ पे सारे इक्विप्ड सारी चीज़ें हैं पार्क में, जो भी सारे होते हैं स्पेस है सब कुछ है, तो हम बोल देंगे कि अच्छा इसका प्राइस तो कुछ होता ही नहीं होगा. लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस लगा हुआ होता है, एंट्री प्राइस. ठीक है, तो या तो हम बोलेंगे कि कुछ भी प्राइस नहीं है, या तो हम बोलेंगे कि अच्छा एंट्री फीस 50 रुपीज़ है, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्राइस लेट्स से 20 रुपीज़ है वो एंट्री फीस. तो 50 और 20 के बीच का जो गैप हो जाएगा वो हो जाएगा 30 रुपीज़, विच इज़ आवर शैडो प्राइस. तो एक होती है वो कमोडिटी जिसकी कोई भी एक डेफिनाइट प्राइसेस अभी तक फिक्स्ड नहीं हुई है. हम एक अप्रोक्सीमेशन हम एक मान के चलते हैं कि अगर इस पार्क में हमने लेट्स से 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो हमें उस तरीके से लोगों से इतने उतने प्राइसेस या फिर कॉस्ट चार्ज करने चाहिए. तो वी हैव डिसाइडेड ऑन अ प्राइस, मतलब ऑन अ अप्रोक्सीमेशन प्राइस, कि इस प्राइस हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है. ठीक है, तो हम इस प्राइस को लेके चलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इज आवर शैडो प्राइस. सो दिस इज़ व्हाट वी आई हैव रिटन दैट बेस्ड, दिस इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमेशन. क्योंकि एग्जैक्ट जो कॉमोडिटी है, जो सर्विसेज है, उसकी प्राइस एग्जैक्टली हमें पता नहीं है. दिस इज़ व्हाई वी यूज़ द अप्रोक्सीमेशन. और हमेशा अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ज़्यादा होंगी. क्योंकि कोई भी कॉमोडिटी है हम उसको कम में तो नहीं दे सकते ना, वी कैन नॉट कीप इट अंडर प्राइस. ठीक है, तो हम उसकी ज़्यादा प्राइस में रखते हैं. तो क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो देखेगा कि मुझे अगर प्रॉफिट ना हो रहा हो ना, तो तभी मुझे लॉस ना हो, लॉस भी ना हो. इसलिए वो इसको हमेशा लेट्स से अगर इस कॉमोडिटी का प्राइस लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर इसका प्राइस 500 होना है तो वो उसको 600 करके रखेगा, सो दैट 100 कैन बी हिज मार्जिनल बेनिफिट. ओके, सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमेशन. तो अगर मोटा मोटी यहाँ तक समझे तो शैडो प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे जैसे कि कोई कमोडिटी है उसका ट्रू वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारी शैडो प्राइस. व्हेन देयर इज़ द कमोडिटीज़ प्राइस इज़ नॉट डेफिनेट. जहाँ पे जो भी कमोडिटी है उसकी प्राइस अभी तक डिसाइडेड नहीं हुई है. ठीक है, तो एग्जांपल हो गई पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. सो पब्लिक गुड्स तो मोस्टली वो फ्री ही होती है. तो वो एग्जांपल हो सकती है मार्केट शैडो प्राइस का. ठीक है, इसके बाद है एस्टेब्लिश द ट्रेड ऑफ रिलेशन, ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस एंड बेनिफिट्स विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. सो अगर प्रोजेक्ट मतलब शैडो प्राइस से यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं शैडो प्राइस से. तो कि हमें कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है और इसके बदले हमें कितनी बेनिफिट्स मिल रही हैं. सो ये हम एक मतलब एक डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है इतने प्राइस में मुझे ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो इट एस्टेब्लिशेस ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस एंड द बेनिफिट्स विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. विद अ प्रोजेक्ट बोल दो, विद अ कमोडिटी बोल दो, वट एवर इट इज़. ठीक है, सो ये हो गई. नेक्स्ट then is opportunity cost. opportunity cost is what somebody had to give up when they made a choice. तो यहाँ पर आपको choice लेना पड़ेगा कि इतने price में मुझे ये चीज़ x commodity जो मिल रही है क्या ये better है, या फिर इतने ज़्यादा price में मुझे y commodity जो मिल रही है ये better है मेरे लिए. तो you have to there calculate, you have to there decide that how much cost I am paying to enjoy that commodity. And am I paying more, am I paying less, and what is the benefit I am getting from using that commodity. So opportunity cost यही पे use होता है.
ठीक है, व्हाट समबडी हैड टू गिव अप, वो कितना गिव अप करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स कितना वो प्राइस गिव अप करने के लिए रेडी है टू गेट दैट बेनिफिट. ओके, सो ये हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देन देर इज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट. सो बहुत सारी कंपनीज में क्या होती है, सो द कंपनी इज़ रेडी टू पे राइट नाउ फॉर सम फॉर लाइक मैनी रुपीज़ मैनी कैश बिकॉज टू गेट द बेनिफिट्स. क्या होता है, लेट्स से आज है क्या 2024, तो इस टाइम में ये कंपनी के इस कंपनी के लिए एक मशीन चाहिए जो मशीन की इसको लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बेनिफिट्स देंगे, मतलब लॉन्ग टर्म में ये इसको बहुत हेल्प करने वाली है. ये बात पता है किसको, ये बात पता है कंपनी वालों को. तो ये क्या करेंगे, आज शायद भी शायद अगर इनके पास पैसे भी नहीं है उतना, बट स्टिल दे विल परचेज इट, स्टिल दे विल इन्वेस्ट ऑन इट, इन्वेस्ट ऑन दिस कमोडिटी, मतलब वो ये मशीन ले लेंगे क्योंकि इनको पता है कि इनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है. तो लेट्स से अगर ये मशीन है, इसका कॉस्ट आज है, इस मशीन का कॉस्ट जो है आज के टाइम पे है, मान के चलो इस मशीन जो है, इस मशीन का कॉस्ट है 5 लाख, लेकिन ये कंपनी को पता है कि इस मशीन को अगर आज हम खरीद लेंगे तो अगले 5 साल के अंदर ये हमें 1 करोड़ की बेनिफिट्स देने वाली है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस कर रही है कौन, कंपनी कर रही है. तो वो हमेशा देखती है कि लॉन्ग टर्म में मुझे कितना ही बेनिफिट हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपना चूज़ करूँगा. ठीक है, सो यू आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग अ चॉइस. ठीक है, सो दिस इज़ आवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जहाँ पे कंपनी को बेनिफिट हो रहा है लॉन्ग टर्म में, अगर उसको वो सही प्राइसेस में मिल जाती है, एंड देन इट विल परचेज दैट कमोडिटी और इट विल इन्वेस्ट ऑन दैट कमोडिटी. सो वी विल टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो नेक्स्ट इज देयर दे डिसाइड द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया. सो हियर इज़ एन एग्जांपल. ठीक है, मतलब जस्ट गिव इट योर माइंड हियर. तो देयर इज़ अ कंपनी. ओके, सो दिस कंपनी वांट्स दैट कि जो उसकी जो सर्विसेज हैं या फिर जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो उसको डिलीवरी कर पाए टाइम टू टाइम, मतलब वो उसको डिलीवरी कर पाए फास्ट. तो क्या होगा, there is some exclusive customers this company has. तो अगर ये कंपनी अपने इन पांचों जो है कस्टमर्स को फास्ट, मतलब वेरी फास्ट, इट वुड बी एबल टू डिलीवर द कमोडिटी वेरी फास्ट टू दिस ओनली दिस कस्टमर्स, देन इनसे उनको और 50 कस्टमर्स मिलने वाले हैं. ठीक है, तो देखो सिंपल सी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये कंपनी ये 5 लोगों को अच्छे से फास्ट डिलीवरी कर पाती है अपने जो प्रोडक्ट से, तो इनके ज़रिए ये 50 लोग और ये 50 कस्टमर और आने वाले हैं ये कंपनी में. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सो ये डिलीवरी मैन जो है इसको पैसे पहले मिलते थे 30,000, तो अभी इसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि उसको फास्ट डिलीवरी करनी है, तो इसको अभी एक्स्ट्रा आवर काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा. तो ये एक्स्ट्रा आवर के लिए ये कितना पैसा देगा, ये एक्स्ट्रा आवर के लिए कितना पैसा देगा, एक्स्ट्रा आवर के लिए ये कितना पैसा लेगा डिलीवरी मैन. तो इसको बोला गया कि तुझे और 20,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे. ठीक है, तू और 4 घंटा ज़्यादा काम कर ले, सो फॉर 4 आवर ही विल गेट मोर 20,000. ठीक है, सो दिस शुड बी आवर शैडो प्राइस. कंपनी के बेनिफिट्स के लिए कंपनी क्या कर रही है, इस डिलीवरी मैन के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रही है कि यू हैव टू डू द डिलीवरी फास्ट सो दैट वी कैन गेट मोर कस्टमर्स फ्रॉम दोज क्लाइंट्स जो कि हमारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तुरंत. ठीक है, तो ये हो गई इसके कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ये जो 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फॉर द एक्स्ट्रा टाइम वर्क, दैट इज़ आवर शैडो प्राइस. $10,000 उसको, अच्छा $20,000 उसको मिल रहे हैं फॉर अर्ली डिलीवरी. जितना अर्ली वो काम करेगा, जितना अर्ली वो डिलीवरी जाके करेगा, तो उसको ज़्यादा 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. सो ये एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ रही है. तो ये फाइनल मैं कह रही हूँ एंड आई एम लिटिल बिट स्लो.
सो ये कंपनी जो है ये कह रही है कि ये डिलीवरी मैन अगर 5 लोगों को एक्सक्लूसिव जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, अगर इनको ये डिलीवरी कर पाता है फास्ट, सो दैट इन 5 कस्टमर्स के ज़रिए हमें और 50 लोग मिलने वाले हैं, सो दैट दिस डिलीवरी पर्सन हैज़ टू वर्क अ लिटिल मोर, एंड दैट जो वो एक्स्ट्रा टाइम काम करेगा उसके लिए उसको और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे. दैट 20,000 रुपये फॉर 4 आवर्स इज़ डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, दैट इज़ हिज शैडो प्राइस, दैट इज़ द शैडो प्राइस. ओके, सो 20,000 paying this much to the delivery man as salary. So 20,000 as salary for extra hour. ठीक है, extra hour काम करने के लिए. Because company को पता है कि हमें ज़्यादा customer आएंगे अगर हमने ये 5 हमारे जो क्लाइंट्स हैं इनको सेटिस्फाई कर दिया तो हमारे और 50 लोग आएंगे. ठीक है, सो अभी वो डिलीवरी मैन को ज़्यादा ही काम देंगे और ज़्यादा ही उसको मतलब क्या काम करने के लिए रखेंगे. तो 20,000 दैट वुड बी देयर शैडो प्राइस. ओके, सो यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल कि रिनोवेट कर रहे हैं, ये ऑफिस एक है, ये इसको रिनोवेट कर रहे हैं, तो ऑफिस को अगर रिनोवेट करेंगे जो एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छी एम्बियंस मिलेगी, अच्छी एक एनवायरनमेंट मिलेगी, सो देयर प्रोडक्टिविटी विल राइज. सो हाउ मच द कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग टू रिनोवेट दिस कंपनी, रिनोवेट हिज ओन कंपनी, तो दैट इज़ द शैडो प्राइस. ओके, और उसके बदले उसको क्या मिल रहा है. सी हियर इज़ द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इज़ गोइंग ऑन व्हेन द पर्सन इज़ इन्वेस्टिंग टू रिनोवेट द कंपनी. लेट्स से 60,000 उसको खर्च करना पड़ रहा है टू रिनोवेट, बट इसके बदले उसको जो बेनिफिट्स मिलने वाली है वो तो काफ़ी मिलने वाली है, बिकॉज हिज एम्प्लॉयर्स विल बी इन अ गुड प्लेस एंड दे विल बी वर्क मोर. ठीक है, सो दिस इज़ द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस वी डू इन शैडो प्राइस. एंड लेट्स से लेट्स गो टू आवर एडवांटेजेस. सो वाट आर द एडवांटेजेस associate with the cost of extra use of resources. Advantage associated with the cost of extra use of resources. तो जितना हम काम करवा रहे हैं, जितना extra 2 आवर हम काम करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें extra cost भी देनी पड़ रही है. So अगर क्योंकि हम cost दे रहे हैं, that is one kind of investment of ours, that is our क्या होता है, वो हमारी हो गई वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें बेनिफिट्स मिलती है. सो दिस इज़ द एडवांटेज बिकॉज वी आर एबल टू डिसाइड कि इन दिस मच प्राइस वी कैन पे टू दिस पर्सन सो दैट आवर कंपनी कैन ग्रो. ओके, सो दे विल ओनली दे विल फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट. तो वो अभी नहीं देखेंगे कि अरे मेरा 20,000 आज खर्च हो गया, नहीं, वो देखेंगे इस 20,000 को मैं खर्च करके मुझे कितना 1 करोड़ का बेनिफिट्स मिल रही है. सो दिस इज हाउ वी कैन एबल टू डिसाइड द प्राइस. ओके, देन इज ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसकी ऑप्टिमल मतलब हाइएस्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है, क्योंकि जो रिसोर्सेज क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हम कर पा रहे हैं कैसे, क्योंकि उसकी हमको कॉस्ट पता है. तो अगर जहाँ पे कॉस्ट हमको पता है हम सारा रिसोर्सेज को उस हिसाब से ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं. देन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस सो फाइंड सो दैट कैन डिसाइड द प्राइस, सो दैट हम प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द कमोडिटी. इट इज़ अवॉइड अंडर प्राइसिंग. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अंडर प्राइसिंग पे ये रहता है, क्योंकि कोई भी कॉमोडिटी मान के चलो अगर इसकी रियल वैल्यू लेट से 500 है, मैं उसको 100 नहीं बोलूँगी कभी भी, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा उसकी ट्रू वैल्यू से उसको ज़्यादा बोलता है सो दैट ही कैन गेट द बेनिफिट. लेट से इस एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू है 500 और हम बोलेंगे कि 700, तो 200 हमारा बेनिफिट ही होगा ना. लेकिन अगर 500 है लेकिन मैं उसको बोल दूँगी कि 400 है, तो हमारा वहाँ पर लॉस हो जाता है. तो एट दिस सिचुएशन इट अवॉइड अंडर प्राइसिंग. तो वो कभी अंडर प्राइसिंग नहीं करेगा, वो हमेशा ज़्यादा ही बढ़ा के बोलेगा, सो दैट अप्रॉक्सीमेशन चलता है ना. तो अप्रॉक्सीमेशन में किसी को नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट प्राइस क्या है, लेकिन
प्राइस जो भी होगा, जितना भी होगा, वो ज़्यादा ही हमेशा कहा जाएगा, सो दैट द कंपनी विल नॉट बी इन लॉस. वो कंपनी लॉस में नहीं होगी. इट टेक्स इन टू अकाउंट द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, जैसे कि हमने पढ़ा, यू हैव टू चूज वन अनदर, यू हैव टू चूज वन अनदर, सो दैट somebody has to give up when they made a choice. क्योंकि आप जब choice बना रहे हो एक और दो टू commodity के बीच में, you have to decide, you have to choose कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही होगी, कौन में cost कितना है और cost कौन में मुझे कितने में benefit सही से मिल रही है. So you have to decide so that you can get the maximum benefit. So shadow price basically यही होता है, जो कि जहाँ पे कोई भी कॉमोडिटी की प्राइस फिक्स्ड नहीं रहती है, एंड जहाँ पे व्हेन देयर इज़ नो डेफिनेट प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, देयर इज़ नो मॉनेटरी वैल्यू असाइंड टू अ कॉमोडिटी एंड व्हेन देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द मार्केट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. जहाँ पे उसकी ट्रू वैल्यू, रियल में उसकी वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस कुछ और होती है, तो जो डिफरेंस होता है वो होती है हमारी शैडो प्राइस. इसको तैयार करने के लिए, इस चीज़ को मैं जो बोल रही हूँ आपको, इसको समझने के लिए मैंने 4-5 यूट्यूब के वीडियोज़ देखे. मुझे कहीं पे सही, मतलब सही एक्सप्लेनेशन है सभी पे, लेकिन मुझे वो इजी तरीका नहीं आया समझ में. और मुझे लगा इतना है तो इसको एग्जांपल के ज़रिए और थोड़ा सा पॉइंट्स लिख के, या फिर एक्चुअल में क्या है कॉन्सेप्ट, उसका मतलब मीनिंग क्या बताना चाहता है, उसका कोई सोल्यूशन मुझे सही से नहीं मिला. सो दैट इज़ व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग इट एंड आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन इन अ सिंपल पॉइंट्स, सो दैट इट वुड बी ईजी टू रिमेंबर फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो व्हाट इज़ इट? First, understand the example, then the definition, then the features, the cost benefit analysis चाहिए, opportunity cost है, फिर उसके बाद हमारी perfect competition market में ये काम करेगा, ठीक है, and long term benefit देता है, then cost benefit analysis, then the example of renovation and the salary of that delivery person, वो हो गया, then what are the advantages. So this was all about the video. I hope you understood. और अगर कहीं पे भी नहीं समझ आया, please write it in the comment. I will try to make you understand again. Thank you.